इस डायरेक्टर संग कुलभूषण खरबंदा ने दी हिट फिल्में, शाकाल के रोल से मिली पहचान। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। कुलभूषण खरबंदा वो एक्टर है जो हमेशा से ही अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। कुलभूषण ने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में फिल्मों में आए। दोनों ही क्षेत्र में उनका काम शानदार रहा। किसी भी कैरेक्टर को वो गहराई तक लेकर जाते थे। पिछले साल आई वेब सीरीज मिर्जापुर इसका ताज़ा उदाहरण है। कुलभूषण खरबंदा का जन्म 21 अक्टूबर 1944 को हुआ था। उनके जन्मदिन के मौके पर बता रहे हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। कुलभूषण को बचपन से ही थिएटर का शौक था। कॉलेज के दौरान उन्होंने कई प्ले में हिस्सा लिया। जब कुलभूषण के किसी परिचित ने नामी डायरेक्टर श्याम बेनेगल की फिल्म में काम कराने के लिए डायरेक्टर को कुलभूषण के नाम का सुझाव दिया, ये सुनकर श्याम ने कुलभूषण को मुंबई भी बुलाया, मगर कुलभूषण ने ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि उन्हें काम तो मिलेगा नहीं, साथ ही आने जाने और ठहरने का पैसा अलग से खर्च होगा। ये सुनने के बाद श्याम बेनेगल ने एक्टर को फ्लाइट का टिकट भेज मुंबई बुलवाया। यहाँ उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ और उन्हें फिल्म मिलने लगी। श्याम बेनेगल के साथ कुलभूषण की जोड़ी शानदार रही। श्याम के निर्देशन में एक्टर ने मंथन, भूमिका, जुनून और कलयुग जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने कुलभूषण को खूबी शोहरत दी। 1980 में कुलभूषण खरबंदा ने रमेश सिप्पी की फिल्म शान में शाकाल का नेगेटिव रोल प्ले किया। ये रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट और सबसे यादगार किरदार साबित हुआ। उनके अंदाज और स्टाइल ने भारतीय सिनेमा में विलन की छवि को एक नई परिभाषा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।